यूपी के लिए अक्टूबर के 5 दिन और नवंबर का पूरा महीना बहुत अहम होने वाला है। इन दिनों में यूपी में त्योहार भी हैं और उपचुनाव भी हैं। 28 अक्टूबर से त्योहारों की शुरुआत होगी और 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसलिए योगी इस वक्त फुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। योगी ने सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है। एक्शन हर लोकेशन पर लिया जा रहा है, जौनपुर हो, हाथरस में भी, नोएडा और गोरखपुर में भी जमकर एक्शन हो रहा है। कहीं गोली चल रही है तो कहीं बुलेट। यूपी में उपचुनाव से पहले क्या कुछ हो रहा है, योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, यूपी में योगी किस मिशन पर लगे हुए हैं और कैसे उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। दीपावली के पहले विकास की योजनाओं का उपहार, ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, जो महाराजगंज में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो मैसेज योगी ने उपचुनाव वाले मझुआ और फूलपुर को दिया, उसे पूरा यूपी देख भी रहा है और समझ भी रहा है। यूपी में जो जैसा कर रहा है उसको जवाब उसी भाषा में मिल रहा है। यूपी में गोली का जवाब पुलिस गोली से दे रही है। हिस्ट्री शीटर हो या फिर इनामिया बदमाश, सबका हिसाब हो रहा है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण को बुलडोजर धुआं धुआं कर रहा है। नोएडा में बुलडोजर से 50 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त हुई। गोरखपुर में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। हाथरस में रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। जौनपुर में होटल के अवैध बाउंड्री वॉल पर एक्शन हुआ। यूपी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये योगी खुद समझा रही है। विकास की योजनाओं का उपहार, ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा सके। नगर पंचायत को आदर्श बनाएंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनपद के अंदर भी हो, ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए, विकास की योजनाओं के संरक्षण के लिए, इनकम को बढ़ाने को लेकर के, और अगर स्मार्ट सिटी बन सकती है तो स्मार्ट नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती। जो मैसेज योगी दे रहे हैं वही यूपी में मुद्दा बना हुआ है। यूपी में अब बात बस योगी, योगी राज, योगी के लॉ एंड ऑर्डर और योगी के सिस्टम की हो रही है। इसके अलावा यूपी में ना ही कोई मुद्दा है और ना ही जीत का चुनावी फॉर्मूला। बीजेपी का जो प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए जा रहा है, कैमरे पर भी वो योगी और योगी राज का मतलब समझा रहा है। फायदे किस सरकार में है वोटर को यही बता रहा है। अलग परिवार अलग बात है, पार्टी अलग बात है। मैं पार्टी भाजपा से प्रत्याशी हूँ, परिवार अलग बात है। मुझे जीतूंगा, मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। यूपी में बीजेपी का पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है। इसके लिए यूपी में ग्राउंड पर 24/7 एक्शन चल रहा है। योगी भी एक्टिव है, योगी का सिस्टम और योगी की पुलिस भी। पहले योगी का सिस्टम का एक्शन देख लीजिए, पुलिस की बात आगे करेंगे। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में दो बड़े बुलडोजर एक्शन हुए, एक नोएडा में तो दूसरा जौनपुर में। अवैध निर्माण पर बुलडोजर के आक्रमण का वीडियो नोएडा के सलारपुर का है। नोएडा के सलारपुर में 5,000 मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। सलारपुर में भू माफिया अवैध प्लॉटिंग का धंधा चला रहे थे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके छोटे छोटे प्लॉट बनाकर बेच रहे थे। कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाकर तो कुछ लोगों ने टीन शेड लगाकर कब्जा किया था।
योगी का बुलडोजर आया तो बुलडोजर ने अवैध कब्जे की प्लानिंग का सारा नक्शा बिगाड़ दिया। सरकारी जमीन पर जितना अवैध निर्माण हुआ था सबको समतल कर दिया। नोएडा में 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। नोएडा में बुलडोजर एक्शन खसरा संख्या 595, 596, 597 और 598 में की गई है। जिन पर एक्शन हुआ है वो भूमाफिया और बड़े बड़े बिल्डर, हिंदू और इसमें मुसलमान भी है। अखिलेश यादव सुबह से ही बीजेपी से उम्मीद बेकार और बीजेपी जाएगी तभी उद्धार वाली लाइन चला रहे। अखिलेश नोएडा एक्शन में जाति भी ढूंढ कर ला सकते और धर्म भी, लेकिन योगी का बुलडोजर जाति धर्म देखकर नहीं चलता, ये बात पूरा यूपी जानता है। भले ही यूपी का मुसलमान योगी का कोर वोटर नहीं बना हो, लेकिन जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है, जब बात सिक्योरिटी और सुरक्षा की आती है, तो फिर यूपी का मुसलमान योगी के साथ खड़ा हो जाता है। मुसलमान ऑन कैमरा ये बात मानता है कि योगी राज में कानून के इकबाल से बड़ा कुछ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको बंद कराया है, उसको हम योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं जिन्होंने हमारी आवाज सुनी, जिनके पास हमने पत्र लिखा। बुलडोजर भी चलवा रहे हैं, बिल्डोजर का भी स्वागत है, अगर गलत करेगा कोई तो उसका भी स्वागत है। मतलब बैराज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। हमें लोगों को ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन है, वो तमाम दुनिया के लिए रहमत वाले नबी को क्या सजा मिले, यति को क्या सजा मिले, वो जो कानून तय करे, जो कानून में तय है। योगी जी से खुश हैं, वाकई में खुश हैं योगी जी ने। योगी जी का पैगाम, भारतीय जनता पार्टी का जो एक पैगाम आया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के बहुत अच्छी बात की कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, फौरी तौर पर गिरफ्तारी भी हो गई। किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी देश के किसी भी बिरादराने वतन से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से है, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। अखिलेश चाहे जो कहे, विरोधी कितना भी हाय तौबा मचाए, लेकिन यूपी में बुलडोजर जरूर चलेगा। जो गैर कानूनी काम करेगा उस पर एक्शन होगा। योगी का बुलडोजर जौनपुर में भी चला है। बुलडोजर एक्शन किसी मुसलमान पर नहीं बल्कि हिंदू होटल मालिक पर हुआ है। जौनपुर में होटल मालिक अविनाश राय सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, होटल बना रहे थे। सीओ सिटी देवेश सिंह ने बार बार कब्जा हटाने के लिए वार्निंग दी, लेकिन अविनाश राय लगातार कानून को चैलेंज करते रहे, सरकारी जमीन को पाट कर अवैध निर्माण किया, होटल की दीवार बनाई। बुलडोजर गर्जा तो जौनपुर में सिर्फ मलबा ही बचा। नंबर है, एसटीपी की जमीन है। इससे पहले भी सीओ सिटी साहब और मैं दोनों लोग यहाँ आके जमीन को खाली भी कराए थे हम लोग जो है, लेकिन रात और दिन प्रतिदिन जो है जब भी मौका मिलता है इस जमीन को पाटते रहते हैं, रात में भी पाटते हैं, दिन में भी पाटते हैं। इनका कार्यक्रम एक महीने से चलता चला आ रहा है, इनको बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं। 566 मिजमान नंबर जो है एसटीपी की जमीन है, 69 है, 81 दो महीने पहले मैं खाली कराया था, लेकिन उसके बाद भी ये चोरी चोरी जमीन को पूरा फाट डाले। तो ये था चलो गड्ढा है अपना ठीक है, चलो इनकी जमीन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं मानते हैं, जितना भी मना किया था मानते नहीं है। एक्शन के बाद एसडीएम ने चेतावनी भी दी है, अगर सरकारी जमीन पर कब्जे की फिर कोशिश हुई तो फिर से कानूनी एक्शन होगा। यूपी में अक्टूबर के बचे हुए 5 दिन और नवंबर का महीना बहुत अहम है। यूपी में त्योहार भी आने वाले हैं और उपचुनाव भी है। 28 से 31 अक्टूबर तक अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन होगा। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, 31 अक्टूबर को दीपावली है, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होगी, 3 नवम्बर को भाई दूज मनाया जाएगा, 5 नवम्बर से छठ पूजा की शुरुआत होगी, 6 और 7 नवंबर तक छठ पूजा होगी, 11 नवंबर को देवोत्थान एकादशी, 13 नवंबर को यूपी में वोटिंग
और फिर 15 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन होगा। इसके अलावा अयोध्या में पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान जैसे मेलों का आयोजन भी इसी अवधि में होगा। ये दिन हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ भी होगा तो योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ जाएंगे। अगर सब कुछ हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी खफा हो जाएगी। लेकिन जो यूपी में होने वाला है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उपचुनाव है, इसलिए योगी भी एक्टिव है और योगी का पूरा सिस्टम भी। योगी ने अपने पूरे सिस्टम को इस काम पर लगा दिया है। 28 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में 2400 घंटों बिजली की सप्लाई का ऑर्डर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी पहले ही मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग में यूपी के सारे मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, हर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक, सारे पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक जैसे बड़े ऑफिसर्स मौजूद रहे। योगी ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरी टीम को 24/7 अलर्ट रहने का ऑर्डर जारी किया है। एक महीने की गतिविधियों की समीक्षा करने और उपद्रवियों की पहचान करके पाबंद करने को कहा है। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से कठोरता से निपटने को कहा है। योगी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उपद्रवियों की उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर भी चौकसी बढ़ाने को कहा है। यूपी के हर जिले में सोशल मीडिया की निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। अफवाह और फेक न्यूज फैलाने वालों को रडार पर लिया जा रहा है। यूपी में न अफवाह चलेगी, न माफिया चलेगा, न अपराधी बचेगा, न हिस्ट्री शीट। उपद्रवी और अराजक सोच वालों का भी इलाज होगा। योगी ने पुलिस को फ्री हैंड और फुल सपोर्ट दिया है, जिसके बाद योगी की पुलिस एक्शन में। योगी की पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है और योगी के ऑर्डर पर एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा ये फतेह खान है। फतेह खान ने 60 साल की बुजुर्ग महिला की इज्जत पर हाथ डाला था। यूपी में किसी की इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है, अब फतेह खान हाफ एनकाउंटर से समझ गया है। अब फतेह खान जब भी अपना कदम बढ़ाएगा उसे कानून की याद अपने आप आ जाएगी।